YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बहादुरगढ़ के लोगों को आज बड़ी सौगात दी है और ये सौगात ऐसी है कि अब मुंडका से बहादुरगढ़ की दूरी सिर्फ 20 मिनट में ही तय की जा सकेगी। इस रिपोर्ट में देखिए, मुंडका से बहादुरगढ़ की दूरी तय करने में अब सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। बहादुरगढ़ के लोग अब मेट्रो की सवारी भी कर सकेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मेट्रो का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। बहादुरगढ़ में तेजी के साथ विकसित होते उद्योगों की वजह से काफी अरसे से मेट्रो का इंतजार हो रहा था। बहादुरगढ़ में अनेक कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज भी हैं। दिल्ली से हर रोज अनेक छात्र छात्राएं आवाजाही करते हैं। अब इस क्षेत्र के लाखों उद्यमों को, विद्यार्थियों को, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को दिल्ली आने जाने में और आसानी होगी। पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी मनोहर लाल ने स्वागत किया और लोगों को इस मौके पर बधाई दी। अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री परमश्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज बहादुरगढ़ से दिल्ली की मुंडका तक की ये जो रेल लाइन का नया मेट्रो की जो सर्विस है इसको शुरू कराया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं और विशेष तौर पर अभी हमारे बीच में हमारे सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए हैं, इनका भी स्वागत है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ के अंदर तीनों जो मेट्रो स्टेशन हैं इनके नाम रखने के कुछ प्रस्ताव हमको मिले हैं और उनमें बहादुरगढ़ का नाम जोड़ा जाए ऐसे भी प्रस्ताव मिले हैं। मैं श्रीमान हरदीप पुरी जी को वो जो सारे प्रस्ताव सौंप दूंगा ताकि हमारी जो दिल्ली मेट्रो की कमेटी है जिनको ये नाम फाइनल करने होते हैं उनके माध्यम से वो नाम जो है फाइनल कर सके। मुंडका से सिटी पार्क बहादुरगढ़ तक बनाए गए करीब 12 किलोमीटर मेट्रो लाइन के निर्माण से लोगों को अब काफी सहूलियत होगी। 2028 करोड़ 96 लाख की लागत से तैयार किए गए इस रूट पर भारत सरकार और DMRC ने 1,241 करोड़ रुपए जबकि हरियाणा सरकार ने 787 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस लाइन पर राजधानी दिल्ली की सीमा में 4 मेट्रो स्टेशन बनाए गए, वहीं 3 स्टेशन हरियाणा की सीमा में बनाए गए हैं, जिसे दिल्ली से बहादुरगढ़ का सफर काफी आसान होने वाला है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।